नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में बात करूंगा, जो इस समय ऑन्टेरियो कनाडा के रिस्पेक्ट में। हमारे प्रीमियर मिस्टर डग फोर्ड, ऑनरेबल प्रीमियर, ने पहले ये चीज़ पूरी तरह डिनाई कर दी थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि पहले हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म केयर वर्कर्स के लिए इसे मैंडेटरी बनाया गया, अभी इसे एक्सपेंड करके सभी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स के लिए भी इंक्लूड कर दिया गया है। और सिटी ऑफ टोरंटो ने भी बहुत सारे इसमें एक्शन लिया, सिटी स्टाफ के लिए मैंडेटरी किया है, फिर TTC ने इसे मैंडेटरी किया है, और अब तो RBC बैंक, पॉर्टर एयरलाइंस, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आगे आए हैं जिन्होंने वैक्सीन पे काफ़ी फर्म स्टेप्स लिया है। जैसे इसे मैंडेटरी कर दिया गया है, और अगर आप मेडिकल, अफकोर्स वहाँ कुछ एक्सेप्शन होंगे ही मेडिकल रीजंस की, क्योंकि कुछ लोग मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं ले सकते, तो और अगर आप ओवरऑल नहीं लेना चाहते तो उसके लिए फिर आपको ये रेगुलर टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, उन सब से गुजरना पड़ेगा। तो अभी के लिए जैसा कि आप देख, तो मैं आगे सरप्राइज नहीं होऊंगा कि और भी एम्प्लॉयर्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और हो ये भी हो सकता है कि इस समय बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया हो बट न्यूज़ में नहीं आया है। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी एम्प्लॉयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि RBC एक मेजर बैंक है, वन ऑफ द मेजर बैंक्स इन कैनेडा। तो कल को अगर बाकी बैंक्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेगा। और जैसे पॉर्टर एयरलाइन ने किया, अगर बाकी एयरलाइंस या बाकी इंडस्ट्री, बाकी रेस्टोरेंट, फूड सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर ये लोग ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। अभी के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।